हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले सेंट्रल हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है या न्यूक्लियाइक एसिड है? देखिए बताते हैं, एंटीबॉडी जो है वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बोलिए या आप इम्यूनोग्लोबिन बोलिए। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन बोलिए। ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन मत मारिएगा। इम्यूनोग्लोबिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि एंटीबॉडी जो है आपका इम्यूनो सिस्टम से सीक्रेट होता है, मतलब निकलता है। ठीक है, तो चलिए एंटीबॉडी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, देखिए एंटीबॉडी जो है वो आपका WBC से निकलता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल से निकलता है या इम्यूनो सिस्टम से निकलता है, जो भी रहे ऑप्शन में वो मार दीजिए। ठीक है, या कभी कभी बोलता है लिम्फोसाइट बी से निकलता है। ठीक है, लिम्फोसाइट बी ये व्हाइट ब्लड सेल का लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का लार्जेस्ट सेल है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन में दिया रहेगा आपका एंटीबॉडीज कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो इम्यूनो कभी दिया रहेगा, तो कभी लिम्फोसाइट दिया रहेगा, तो कभी आपका ये दिया रहेगा ग्लाइकोप्रोटीन्स दिया रहेगा, या एक और ऑप्शन है, हाँ व्हाइट ब्लड सेल दिया रहेगा। ठीक है, ये चारों दिया रहे आप बेफिक्र मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एंटीबॉडी के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका जो है इसका काम रहता है अनजान बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ईटीसी, कुछ भी हो उसको बेअसर करना। ठीक है, रोकना इसका काम होता है। ठीक है, और एंटीजेन वो आपका अच्छा नहीं है। ठीक है, एंटीजेन आपका बहुत बुरा है, एंटीजेन इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए एंटीजेन के बारे में भी बता देते हैं। देखा जाता है कि एंटीजेन जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इसके खिलाफ हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वह तुरंत एंटीबॉडी को उत्पादन करता है। ठीक है, उसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एंटीजन जो है वो आपका बहुत बुरा है आपके शरीर के लिए। ठीक है, एंटीजन में आपका ये वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे होते हैं। ठीक है, इनके सतह पे ये रहता है एंटीजन, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस मेरे को इतना ही पता है। नेक्स्ट, व्हाट ब्लड टाइप हैज नो एंटीजन प्रेजेंट? बताइए किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है? एंटीबॉडी रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है? एंटीबॉडी रहता है, एंटी ए, ठीक है, और एन टी बी होता है। ठीक है, एन टी बी होता है। ठीक है, और ए बी में जो है इसमें आपका एंटीबॉडी एक्स है, नो एंटीजन प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें जो है इसमें आपका एंटीजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट रहता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहता है, एंटीजन प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा रहता है? तो आपका इसमें आपका हो गया एक एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है, किसमें होता है? ए बी में होता है। ठीक है, इसमें आपका एंटीबॉडी नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें आपका एंटीबॉडी नहीं होता, इसमें एंटीजन प्रेजेंट रहता। और किसमें एंटीबॉडी मतलब एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है? तो आपका ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता, इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंटी ए और एंटी बी, और ए बी में क्या होता है? तो एंटीजन प्रेजेंट रहता है, और ओ में क्या होता है? तो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, और भी कुछ बचा है? हाँ देखिए, आपका ओ जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक दाता। ठीक है, और ओ में क्या? माइनस ओ रहता है। ठीक है, ओ पॉजिटिव नहीं, जो सबको ब्लड दे सकता है ये दे सकता है, माइनस ओ दे सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ए बी को क्या कहा जाता है? तो इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह सकता है, मतलब सबसे ब्लड ले सकता है, खून ले सकता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक,
विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज कोल्ड यूनिवर्सल डोनर, बस वही आ गया फिर से आपका ओ है, ठीक है माइनस ओ, याद रखिएगा कभी माइनस ओ दिया जाता है। चलिए ए बी तो उस टाइम नहीं बताए थे, चलिए ए के बारे में बता देते। देखिए ए में जो है, ए में आपका एंटीजेन पाया जाता है, ठीक है ए में आपका एंटीजेन पाया जाता है, ठीक है याद रखिएगा। और कौन सा होता है तो एंटीजेन ए, ठीक है एंटीजेन ए। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है, ठीक है एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है, याद रखिएगा एंटीबॉडी बी पाया जाता है। और जो बी में है इसमें आपका एंटीजेन बी पाया जाता है, ठीक है बी पाया जाता है। और इसमें एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी में आपका ए पाया जाता है, ठीक है ये याद रखिएगा। देखिए विच एंजाइम हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप को कौन नियंत्रण करता है, कौन सा एंजाइम जो है वो रक्तचाप को नियंत्रण करता है रेगुलेट करता है बताएं। रेनिन, ट्राइप्सिन, टाइलिन या पेप्सिन, इन चारों में से कौन सा होगा, देखिए एग्जाम में पूछा गया और आगे भी आएगा। चलिए बताते हैं, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रेनिन, ठीक है रेनिन, रेनिन एंजाइम होगा, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ से सिक्रेशन होता है, तो ये आपका जो है ये आपका किडनी से सिक्रेशन होता है, ठीक है मतलब किडनी से निकलता है, ठीक है सिक्रिएट होता है, ठीक है किडनी से निकलता है, ओके। चलिए देखिए और इसी में हम बता देते हैं, ठीक है ये जो ट्राइप्सिन है, ट्राइप्सिन ट्राइप्सिन, और एक देखिए आपका क्या है, एक है आपका पेप्सिन, क्या है एक ट्राइप्सिन और एक पेप्सिन, ये दोनों का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है क्या करना प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, जो मीट होता है दूध होता है एग होता है उनको डाइजेस्ट करने का काम आता है। जो ट्राइप्सिन है ये आपका पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, मतलब पेनक्रियास से निकलता है, इसको हिंदी में कहते हैं अमाशय, ठीक है अमाशय कहते हैं। और जो पेप्सिन है, पेप्सिन ये आपका स्टोमच से निकलता है, ठीक है स्टोमच पेट से निकलता है, ठीक है पेप्सिन जो है स्टोमच से निकलता है ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसका भी काम क्या रहता है, प्रोटीन को पचाने का काम रहता है। एक चीज देखिएगा, पेप्सिन कभी कभी स्टोमच दिया रहेगा, कभी कभी आपको दिया रहेगा पेरिटेल सेल, ठीक है पेरिटेल सेल याद रखिएगा, पेरिटेल सेल दिया रहता है स्टोमेज की जगह, ठीक है ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो दोनों मारिएगा चलेगा, ठीक है। और एक देखिए टाइलिन, टाइलिन को हम क्या कहते हैं, इसको हम एमालाइज भी कहते हैं, ठीक है एमीलेज इंजाइम, टाइलिन इंजाइम और एमीलेज इंजाइम दोनों एक है। ये लोग कहाँ से सिक्रेशन होता है, तो ये आपका होता है सेलिवरी ग्लैंड से, ठीक है सेलिवरी ग्लैंड जो लार होता है ना वहां से सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए रेनिन तो किडनी से निकलता है, ठीक है ठीक है। और इसका काम क्या रहता है, रेनिन का रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ठीक है ये सब याद रखिए, पूछा जाएगा तोड़ तोड़ कर। नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ टेक प्लेस बाय, बताएं कि जब डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ टेक प्लेस बाय, जब स्टार्च का डाइजेशन होता है माउथ में, ठीक है माउथ ही से ना होता है किसी भी चीज का डाइजेशन, वहां से शुरू हो जाता है, ठीक है तो उसके साथ कौन सा एक एंजाइम मिल जाता है बताएं, एमालिस पेप्सिन लाइपेज या रेनिन। पेप्सिन तो नहीं होगा, ठीक है रेनिन भी नहीं होगा, हम क्या बताए थे रेनिन आपका क्या करता है, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर करता है, ठीक है मतलब रक्तचाप को नियंत्रण करता है, ठीक है। और ये जो पेप्सिन था ये क्या था, तो ये आपका प्रोटीन को पचाने में काम करता है, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा एमालाइज, ठीक है। स्टार्च मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, जो फूड जो प्लांट द्वारा जो भोजन होता है प्राप्त होता है, ठीक है तो वही होगा, ठीक है आपका करेक्ट आंसर यहाँ एमालाइज रहेगा, एमालाइज मिल जाता है, ठीक है एमालाइज मिल जाता है स्टार्च के साथ, ठीक है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, पल्स रेट वी गेट फ्रॉम, नाड़ी का दर हमें कहां से मिलता है, तो ये सबको पता होना चाहिए, आर्टरी वेन
या फिर स्किन या नर्व, क्या होगा? आप लोग तो आधा से ज्यादा नर्व मारिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टरी, आर्टरी, ठीक है, आर्टरी, महाधमनी इसको बोलते हैं, ठीक है, आर्टरी, आर्टरी याद रखिएगा, पल्स रेट वी गेट फ्रॉम आर्टरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब फैलता है फिर सिकुड़ता है, ठीक है। और कैसे पता लगाया जाता है, तो रिस्ट से पता लगाया जाता है, जो हाथ वाला रहता है ना रिस्ट, इसको पकड़ के पता लगाया जाता है, और एक गर्दन के पास से पता लगाया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। विच अमोंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लगता है इतना ही बड़ा होगा ये। विच अमोंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्लाज्मा, ठीक है, वाटर को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, ब्लड में, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्बुमिन, फाइब्रिन, ग्लोबिन या सेरम एमलाइज। चलिए बताते हैं, देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका अल्बुमिन, ठीक है, क्या रहेगा, अल्बुमिन रहेगा। ये जो है रेगुलेट्स करता है अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, ब्लड प्रोटीन बोलिए या ब्लड प्लाज्मा बोलिए, दोनों एक रहेगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर अल्बुमिन रहेगा। जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन, ये फाइब्रिन का काम क्या रहता है, तो कहीं चोट लग जाता है शरीर में या खून बहता है तो उस ब्लड को रोकने का काम करता है, ठीक है, ब्लड को रोकने का काम करता है, कौन करता है, फाइब्रिन करता है, फाइब्रिन करता है, ब्लड को रोकने का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और देखिए ये जो फाइब्रिन है ये आपका कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका लीवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लीवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब उत्पादन होता है किसका, फाइब्रिन का, फाइब्रिन का, ठीक है, लीवर में प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का बनाने में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है, अल्बुमिन करता है, फाइब्रोजिन करेगा या ग्लोबिन करेगा या सेरम एमलाइज करेगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना है बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज करें और मैं भी कंफ्यूज करूं क्योंकि मुझे भी एग्जाम देना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फाइब्रोजिन, ठीक है, फाइब्रोजिन, ठीक है, फाइब्रोजिन मारिएगा, और कभी कभी फाइब्रोजिन की जगह आपका थ्रोम्बिन दिया रहता है तो वो आप मार सकते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल फाइब्रोजिन आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, विच अमोंग द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज पिंक आई, कौन सा बीमारी को पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपका करेक्ट आंसर यहां पे लगेगा कंजक्टिविटीज, ठीक है, कंजक्टिविटीज याद रखिएगा, इसको हम पिंक आई के बीमारी से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो मायोपिया है, ठीक है, ये सामने का दिखता है पर दूर का नहीं दिखता है, ठीक है, सामने का दिखता है पर दूर का नहीं दिखता, और इसका करेक्ट लेंस क्या होगा, जो चश्मा लगाता है उसका करेक्ट लेंस क्या होगा, तो कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है, अवतल, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। अरे दो ठो और है, देखिए ये पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एस्टिगमेटिज्म जो है इसका करेक्ट लेंस आपका होता है, आप ऐसे याद कीजिए, ए सी मतलब सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस। और जो प्रेसोबिया है इसका करेक्ट लेंस होता है, जो चश्मा वाले जो डॉक्टर देते हैं उसी को करेक्ट लेंस बोल रहे हैं, ठीक है। प्रेसोबिया जो है ये आपका होता है पीबी से, याद रखिए, मतलब बाईफोकल लेंथ, ठीक है, बाईफोकल लेंथ ये याद रखिएगा, ठीक है, बाईफोकल लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन प्लांट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसके निर्माण में पौधे में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताए आपका करेक्ट आंसर रहेगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपका प्लांट एंड एनिमल
दोनों में होता है, ठीक है। और सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट में होता है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल भी सिर्फ प्लांट में होता है। देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीट एंड हाइट वायरस, किस वायरस को हीट एंड हाइट के नाम से भी जानते हैं? देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें से? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका RSV वायरस, ठीक है, रेस्पायरेटरी सेनिटियल वायरस, ठीक है। और कभी कभी आपका क्या दिया हुआ रहता है, तो कभी कभी आपका यहाँ पे दे देगा लंग्स, ठीक है, लंग्स दे दिया रहेगा, ठीक है। तो आप इसको मारिए या इसको मारिए, दोनों एक ही है, ठीक है। और डेंगू वायरस, ये तो वायरस है, याद है, ठीक है। देखिए, लेथिरिज्म ए ह्यूमन डिजीज काउजिंग पैरालाइजिंग ऑफ द लोअर लिम्स इज कॉज्ड बाय, देखिए, जो लेथिरिज्म है वो आपका लोअर लिम्स को पैरालाइज कर देता है, मतलब लकवा मार देता है, जो पैर वाला होता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, या कंजप्शन ऑफ खेसारी दाल के कारण होता है, या नर्वस फेलवर के कारण होता है, या वायरल इन्फेक्शन। देखिए, इसमें से ज़्यादा तो नर्वस फेलवर ही मारेंगे, पर इसका करेक्ट आंसर आपका है, ऑफिशियल आंसर जो है वो है खेसारी दाल के खाने से होता है, ठीक है, ज़्यादा खाने से, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, लिगामेंट्स बाइट, लिगामेंट्स किसको किससे जोड़ता है बताएं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, JCC में पूछा गया था। हम तो बोले ये आपके स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए काम देगा, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम के लिए। तो लिगामेंट्स आपका जोड़ता है, आप इस तरह याद रखिएगा, LBB, ठीक है, LBB यानी बोन्स टू बोन्स, आपका करेक्ट आंसर बोन्स टू बोन्स रहेगा, ठीक है। और मसल्स टू बोन, बोन लिखा गया, ठीक है, सॉरी, बोन होगा यहाँ पर, ठीक है, बोन होगा, याद रखिए, मसल्स टू बोन, ये आपका हो गया टेंडन, टेंडन जोड़ता है मसल को बोन से, ठीक है, टेंडन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। के इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर एस ग्लाइकोजेन, ठीक है, उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस ग्लाइकोजेन कहाँ स्टोर होता है, मतलब कहाँ पर जमा होता है ग्लाइकोजेन का। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लीवर, लीवर, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लीवर आपका रीजनरेट भी होता है, और लीवर में आधा से ज़्यादा हार्मोन इंजाइम स्टोर रहता है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर लीवर है। कभी एग्जाम में भूल भी जाइएगा तो लीवर मार दीजिएगा, खाली देखो, रेनिन जो है बताए थे वो आपका किडनी में, किडनी से निकलता है, ये अलग है, ठीक है। और देखिए, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, पूछ देगा कभी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है, मतलब ब्लड का प्यूरिफाई कहाँ होता है, शुद्ध कहाँ होता है, ठीक है। तो आप मारिएगा लंग्स, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड लंग्स होता है। और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ पर होता है, मतलब छाना कहाँ जाता है, तो किडनी में छाना जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, मानव रक्त में किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका सबसे बड़ी है, ठीक है, बोल रहा है कि कोशिका, एक सेकंड, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, नंबर ऑफ विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज ग्रेटेस्ट इन ब्लड ऑफ ह्यूमन, मतलब सबसे बड़ा ब्लड जो व्हाइट ब्लड सेल है वो कौन सा है, ये पूछ रहा है आपसे, सबसे बड़ा, ठीक है, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, आपका ऑफिशियल आंसर दिया न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, कभी पूछ दे आपसे कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सा है, लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है, ये पूछेगा, ठीक है, लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है, तो आप मारिएगा मोनोकाइट्स, ठीक है, मोनोकाइट्स, लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल क्या है, तो मोनोकाइट्स है, ठीक है, मोनोकाइट्स, याद रखिएगा। और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल पूछेगा तो स्मॉलेस्ट व्हाइट ब्लड सेल पूछे तो आप मारिएगा लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट, ये सब आपका व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है, ठीक है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोकाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट पूछे सबसे बड़ा, तो ये आपका न्यूट्रोफिल्स आंसर होगा, ठीक है।
चलिए जितना भी बता रहे हैं सबका आंसर सही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन ए हेल्दी पर्सन, नॉर्मल पर्सन और हेल्दी पर्सन में रक्त की मात्रा कितनी होती है ये बताएं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आधा ज्यादा तो इसमें 3 से 4 कोई 5 से 6 मारेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर हम बताते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 4.5, ठीक है, 4 टू 5 लीटर होगा, ठीक है, याद रखिए 4 टू 5 लीटर होगा। क्या बोला था, हेल्दी पर्सन में, हेल्दी पर्सन में याद रखिएगा, ठीक है। और पीएच, एक सेकंड, एक और चीज बता देते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, पीएच स्केल ऑफ ब्लड कितना होता है, तो ब्लड का होता है 7.4, याद रखिएगा, और वाटर का भी आपका 7.4 होता है, यानी आपका दोनों आंसर याद हो गया, पीएच स्केल ऑफ ब्लड और पीएच स्केल ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल्स आर स्पेशलिस्ट सेल प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए एंटीजेन किस में होता है, बस एक को छोड़कर बताना है, एक को छोड़कर एंटीजेन, एक सेकेंड, एंटीजेन किस में नहीं है ये बताना, ये सब बताना, बाकी सब में है, एक में नहीं है, बताइए। देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा लिम्फोमोड, ठीक है, लिम्फोनोड, ये आपका एंटीजेन का दुश्मन है, ठीक है, इसमें कभी भी नहीं होगा, ये इसमें आता है, व्हाइट ब्लड सेल में आता है, ये आपका बाहरी बीमारियों से रक्षा करता है, जैसे वायरस बैक्टीरिया ये सबसे रक्षा करता है, ठीक है, लिम्फोनोड, और ये आपका एक टाइप का वायरस है, ठीक है, ये बहुत बुरा है, ठीक है, इसमें आप क्या बोलते हैं, वायरस बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ कुछ भी हो उसके सरफेस में पाया जाता है एंटीजन, ठीक है, और लिम्फोमोड इसका दुश्मन है। आपका करेक्ट आंसर होगा लिम्फोमोड, बाकी एंटीजन किडनी स्किन स्प्लिन सब में पाया जाता है, ठीक है। स्प्लिन को क्या कहते हैं, तो ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है, ब्लड बैंक याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका लार्जेस्ट सेल, ना लार्जेस्ट सेल हो गया, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं, उतना तो डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसका होगा कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, सी ए, कोरोनरी आर्टरीज। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन, यूरिया का फॉर्म कहाँ पे होता है, मतलब यूरिया कहाँ बनता है ये बोल रहा है, तो यूरिया आपका लीवर में बनता है, ठीक है, लीवर में बनता है, और कहाँ पर छनता है, मतलब फिल्टर कहाँ पर होता है, तो किडनी में फिल्टर होता है, ठीक है, फिर निकल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन, तो लीवर, यूरिया जो है कहाँ पर बनता है, तो लीवर में बनता है, ठीक है, यूरिया आपका टॉक्सिक है। द हार्मोन यूज एज ओरल कॉन्ट्रेस्टिव, ठीक है, मौखिक गर्भ निर्धोर या निरोधकों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला हार्मोन है। देखिए आप इसे याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओरल पूछे, ओरल कॉन्ट्रेस्टिव पूछे, तो आप आँख बंद करके प्रोजेस्टेरोन मार दीजिएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और एक होता है एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन क्या होता है, तो ये आपका एल्डोस्टेरोन क्या होता है, ये आपका नियंत्रण करता है, ठीक है, पानी और नमक का हमारे शरीर में, ठीक है, ताकि रक्तचाप पर प्रभाव पड़ता रहे, ठीक है, मतलब रेगुलेट्स ऑफ ब्लड प्रेशर पे, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है, ठीक है, या वाटर और साल्ट को नियंत्रण करता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन बोला जाता है उसको, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हम लोग के अंदर पाया जाता है, मतलब लड़कों में, ठीक है, छोड़ो। निषेचित ओवा गर्भाशय के आरोपण के लिए एक हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ था एस्ट्रोजन, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर था, पर कभी कभी प्रोजेस्टेरोन भी दिया रहेगा, ठीक है, तो आप दोनों को मार दिएगा, ठीक है, एस्ट्रोजन दिया रहा है तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दिया रहा है तो प्रोजेस्टेरोन को मार दीजिए, ठीक है। और एक प्रोक्टेलिन, जो प्रोक्टेलिन क्या है, तो ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है, जो फीमेल में होता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन भी आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, ये सब याद रखिएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वरना चलेगा नहीं भी किया, ठीक है, नेक्स्ट।